नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत आज की चार बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इससे सुबह 10:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी और कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शिक्षा, रोजगार, किसान और बिजली को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। दूसरी बड़ी खबर क्या है ये भी आप जान लीजिए। यूपी में होने वाले पहले चरण के चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर मतदान होगा। दिन भर इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आइए अब मैं आपको बाकी दो बड़ी खबरें बताने जा रही हूं जिस पर आज जी हिंदुस्तान की नजर रहने वाली है। यानी आज की तीसरी बड़ी खबर यूपी के सियासी रण से ही है। गर्मी और चर्बी वाले बयानों के बाद पश्चिमी यूपी का पारा बेहद हाई है। सीएम योगी ने कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाकर दो लड़कों यानी अखिलेश और जयंत पर निशाना साधा, तो अब जयंत ने भी सीएम योगी को देख लेने की धमकी दे दी है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। सुरक्षा में चूक के बाद आज पीएम मोदी की पंजाब में पहली रैली है और यह रैली फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल होगी। इसके अलावा पीएम मोदी यूपी और उत्तराखंड के लिए भी वर्चुअल रैलियां करेंगे। तो यूपी के रण से तमाम बड़ी खबरें ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे। इन तमाम खबरों पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर सुपर स्पीड 100 पर। पहले चरण के 58 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। पश्चिमी यूपी से पहले के चरण के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुजफ्फरनगर और मथुरा में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार। पहले चरण के लिए कुल मतदाता 2,27,00,000 से ज्यादा है। पहले चरण में मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7 सीटें समेत 58 सीटों पर मतदान। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। यूपी फतह के लिए बीजेपी कई बड़े ऐलान कर सकती है। अमित शाह सुबह 10 बजे यूपी के लिए जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम योगी, दिनेश शर्मा, अनुराग ठाकुर समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र में बीजेपी मुफ्त बिजली का कर सकती है ऐलान। बिजली पर अखिलेश के दाव की काट के तौर पर पेश करेगी बीजेपी। संकल्प पत्र में बीजेपी बिजली के बकाए बिल में भी दे सकती है छूट। बिजली किसानों को मिलने वाली बिजली को लेकर महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। बीजेपी के संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी। इसके अलावा नए रोजगार पर भी फोकस रहेगा। संकल्प पत्र में बीजेपी ने जनता के सुझाव को किया है शामिल। योगी सरकार का पूरा जोर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर रहा है। नए संकल्प पत्र में कानून व्यवस्था पर भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। संकल्प पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडा पर भी फोकस रहेगा। योगी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई बदलाव किए हैं। संकल्प पत्र में इन शिक्षा में सुधारों पर भी कुछ और वादे किए जा सकते हैं। नए संकल्प पत्र में डिजिटल सेवाओं के विस्तार, कई जिलों में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एक्सप्रेसवे की नींव की बात भी की जाएगी। बीजेपी यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ, झांसी, आगरा, चित्रकूट, नोएडा के काम को जमीन पर उतारने सहित कई बिंदुओं पर यहां पर बात कर सकती है। बीजेपी ने संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना को बनाया है। समिति के सदस्यों ने कई जिलों का दौरा कर हर वर्ग के लिए प्रतिनिधियों से बात की। पहले चरण के लिए आज दिग्गज झुकेंगे अपनी पूरी ताकत। पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी ने यूपी की जंग में झोंकी पूरी ताकत। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। रामपुर, बदायूं और संभल में करेंगे चुनावी रैली। सीएम योगी आज यूपी के 3 जिलों का करेंगे दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर में करेंगे चुनावी प्रचार। मुजफ्फरनगर के खतौली में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। विपक्ष दंगावादी और तमंचावादी, चुनाव में तमंचावादियों का सफाया तय है। सीएम योगी ने कहा दंगे के वक्त दो लड़के गायब थे। एक लड़का दिल्ली से देख रहा था, दूसरा दंगा करवा रहा था। मेरठ में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। कहा नाम समाजवादी, काम दंगावादी। ट्विटर पर भिड़े दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों ने लांगी भाषा की मर्यादा। एक दूसरे को बताया मानवता विरोधी। अखिलेश के वोट का प्लांट के वादे पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का तंज। कहा जो सरकार में नहीं वो आलू से सोना निकाले या वोट का वो जाने। यूपी के इटावा में एसपी गठबंधन को बड़ा झटका। शिवपाल के करीबी प्रसपा प्रदेश उपाध्यक्ष हुए बीजेपी में शामिल। यूपी के अमरोहा में बोले ओवैसी। कहा अमित शाह जी बोल रहे हैं सुरक्षा ले लो, लेकिन यूपी में सीए विरोध में मारे गए लोगों से ज्यादा मेरी जान की कीमत नहीं। अमित शाह पर एमआईएम चीफ का पलटवार। सिक्योरिटी उन्हें दीजिए जिन्हें गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है।
ओवैसी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा बाबा ने 5 साल में यूपी में कुछ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों से पूछो। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का लोनी दौरा रद्द, लोनी में जनसभा को संबोधित करने वाले थे ओवैसी। बीजेपी के खिलाफ अब यूपी के युद्ध में उतरी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के समर्थन में आज ममता करेंगी चुनाव प्रचार। ममता बनर्जी ने कहा मैं वाराणसी भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया भी जलाऊंगी, कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ममता बनर्जी ने कहा यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी, पंजाब में हम आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बोला हमला का, झूठ बोलना, झांसा देना, झगड़ा लगाना, यही बीजेपी का असली काम है। अखिलेश यादव ने कहा झगड़ा लगाना भाजपा की पहचान है और इसीलिए भाजपा का नाम बदलकर भाजपा कर देना चाहिए। यूपी चुनाव के लिए ममता बनर्जी पहुंची लखनऊ एयरपोर्ट पर, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने किया उनका स्वागत। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट जारी की, 24 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की। पार्टी ने गोरखपुर से उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को बनाया उम्मीदवार, सीएम योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। एसपी नेता और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी का बयान, कहा ममता बनर्जी के एसपी के समर्थन में आने से काफी असर पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता और अखिलेश पर प्रहार, कहा कुछ लोग बंगाल से अखिलेश जी का समर्थन करने आए हैं, मतलब एसपी का ये हाल हो गया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा ये चुनाव हर बेटी माँ का चुनाव है जो एसपी राज में डर में जीती थी। मोदी नगर में जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा, बिजनौर में पीएम का प्रोग्राम रद्द होने पर जयंत ने कसा तंज। बीएसपी नेता उमा शंकर सिंह का मुख्तार अंसारी पर कटाक्ष, कहा पूर्वांचल में अब मुख्तार का कोई प्रभाव नहीं। यूपी में कांग्रेस प्रदेश से प्रभारी सत्यनारायण पटेल की अखिलेश यादव को नसीहत, कहा मर्यादा में रहकर करे भाषणबाजी। जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी, एक बार फिर जयंत चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर से आज करेंगे नामांकन, दोपहर दाखिल करेंगे नामांकन, सीएम योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। बलिया सदर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की, ब्राह्मण वोटों को लेकर किया दावा, कहा ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, पार्टी को ही करेंगे वोट। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टीम की ओर से एक नया गाना जारी किया गया है, गाने के बोल हैं केशव मौर्य आएगा। रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, गलत काम करना वर्तमान समाजवादी पार्टी का चरित्र है, बोले 2017 से 22 तक ट्रेलर था, फिल्म हम 10 मार्च को दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा विपक्ष के कई नेता हैं चुनावी मेंढक, बोले बीजेपी के लिए वोटर्स में भारी उत्साह, टिकट जयंत के मेल का असर नहीं। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल का अलीगढ़ दौरा, गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील। मुजफ्फरनगर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान, का सभी विपक्षी दल मिलकर भी 3 अंकों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, बीजेपी पिछला रिकॉर्ड तोड़कर अपनी सरकार बनाएगी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा पंजाब में कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा जिसे भी बना ले। करल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल का बयान, का अखिलेश के खिलाफ मुझे उतारना पॉलिटिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक है, डिंपल यादव का गढ़ टूट गया है, अब अखिलेश का किला ढहा दिया जाएगा। प्रियंका गांधी भी 3 जिलों का करेंगी दौरा, हस्तिनापुर मथुरा और खैरागढ़ में भरेंगी हुंकार, जनसभा को करेंगी संबोधन। सीतापुर जेल से चुनाव लड़ रहे आजम खान के लिए उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने मोर्चा संभाला, रामपुर में कहा बीजेपी के शासनकाल के दौरान विकास नहीं हुआ। बीएसपी नेता उमाशंकर सिंह का मुख्तार अंसारी पर कटाक्ष, कहा पूर्वांचल में मुख्तार का कोई प्रभाव नहीं। यूपी में कांग्रेस से प्रदेश सह प्रभारी सत्यनारायण पटेल की अखिलेश यादव को नसीहत, कहा मर्यादा में रहकर करें भाषणबाजी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मथुरा और फतेहपुर सीकरी में करेंगे जनसभा, बीएसपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी बीएसपी में हुए शामिल, निषाद पार्टी से कर रहे थे कोशिश लेकिन निषाद ने काट दिया था टिकट। यूपी के बरेली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनावी रैली, बीएसपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट।
बरेली में मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी की सरकार को अहंकारी बताया तो दलितों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने चार और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। सुल्तानपुर, प्रयागराज और अयोध्या के उम्मीदवारों का ऐलान किया। बरेली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा एसपी और कांग्रेस पार्टी नहीं ट्रस्ट है जहां एक परिवार के लोग सरकार और संगठन चलाते हैं। उत्तराखंड में भी पीएम मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। उधम सिंह नगर और नैनीताल में जन चौपाल को करेंगे संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज ने उत्तराखंड के पौड़ी में विपक्षों पर जमकर निशाना साधा। कहा ये राहुल और केजरी राहु और केतु हैं, ये उत्तराखंड में आए तो विकास को ग्रहण लग जाएगा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के चंपावत में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। जनरल वीके सिंह ने उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी का मिशन पंजाब होगा शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी आज और कल करेंगे वर्चुअल रैलियां, जनता को करेंगे संबोधित। अकाली दल से गठबंधन के बाद आज मायावती का पहला चुनावी दौरा। पंजाब चुनाव में जनता को करेंगे संबोधित। मायावती पंजाब के नवांशहर और दाना मंडी का करेंगे दौरा, जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब में चुनाव से पहले जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम। पंजाब के मालवा रीजन की 69 सीटों पर डेरे का प्रभाव। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को छिपाकर जेल से निकाला गया। पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले हुई रिहाई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना में एक ढाबे पर खड़े होकर रोटी खाते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक मामले पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, चन्नी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से पूछ मांगे। हिमाचल के ऊना में संत बाबा बाल के दरबार में पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बाबा बाल का लिया आशीर्वाद। आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज जरनैल सिंह का बयान, कहा चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद पंजाब के लोगों में कांग्रेस के प्रति निराशा बढ़ गई। पंजाब के मानसा में सांसद हरसिमरत कौर का दौरा, अकाली दल उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। सीएम चन्नी और सिद्धू पर जमकर बोला तीखा हमला। पीएम मोदी आज राज्यसभा में भी देंगे जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम मोदी ने लता दीदी को दी श्रद्धांजलि। कहा देश ने लता दीदी को खो दिया। पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर खूब कटाक्ष किए। कहा आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई। पीएम मोदी ने कहा यूपीए सरकार के आखिरी कार्यकाल में महंगाई 10% से ज्यादा रही है, जबकि कोरोना काल में भी महंगाई 5.2% रही। विपक्ष के टोका पर पीएम मोदी ने टीएमसी सांसद सुब्रत राय पर तंज कसा। कहा दादा इस उम्र में भी बचपने का मजा लेते रहते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कई राज्यों से कांग्रेस साफ हो गई है, देश की जनता आपको जानती है, कांग्रेस के डीएनए में विभाजन की नीति। पीएम मोदी ने कहा लगता है कांग्रेस ने मन बना लिया है, 100 साल सत्ता में नहीं आने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने ठान लिया है तो मैंने भी मन बना लिया। राहुल के अंबानी अडानी राग पर पीएम ने नेहरू युग की याद दिलाई। कहा 60-80 के दशक में टाटा बिरला की सरकार है, ऐसा आरोप लगता था, समय बदल गया लेकिन पंचिंग बैग वही है। पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। कहा आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते, मोदी ही तो आपकी प्राण शक्ति है। उत्तराखंड के चमोली में सेना के जवानों का दिखा दम, बर्फीली पहाड़ियों में पेट्रोलिंग करते दिखे जवान। उडुपी में हिजाब विवाद गहराया, प्रदर्शनकारी लड़कियों के समर्थन में साथ आए माँ बाप। आज दोपहर बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक के शिवमोगा में हिजाब को लेकर छात्राओं का बड़ा प्रदर्शन, सरकार बोली ड्रेस कोड का पालन जरूरी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। गांदरबल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। एमपी के होशंगाबाद का नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी। नर्मदा जयंती पर मंगलवार को नर्मदापुरम नाम की औपचारिकता पूरी करेंगे सीएम शिवराज। एमपी के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, तहसीलदार समेत टीम पर छिड़का पेट्रोल केस दर्ज हुआ। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी के दावे पर बिहार में सियासत तेज। जेडीयू ने कहा बिहार में नहीं है सीएम की वैकेंसी। आरजेडी ने तेजस्वी का नाम लिया, सैनी ने कहा था वो बनेंगे बिहार के सीएम। बिहार के दानापुर में डिप्टी कमिश्नर के घर से 15 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। बिहार के पटना में विधानसभा गेट के सामने कारोबारी से दिन दहाड़े 1,90,000 रुपए की लूट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। राजस्थान सरकार ने रीट लेवल 2 की परीक्षा निरस्त की, अब नए सिरे से होगी लेवल 2 की परीक्षा, अगली परीक्षा सेकेंड स्टेज पर। अब रीट में कुल 62,000 पदों पर होगी भर्तियां, परीक्षा निरस्त करने के चलते ओवरएज हुए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी।
रीट पेपर लीक मामले की एसओजी करती रहेगी जांच। रीट परीक्षा आयोजन कराने वाली संस्था पर भी सरकार जल्द लेगी फैसला। राजस्थान के सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा रीट को लेकर जैसे बीजेपी इश्यू बना रही है उनसे पूछा जाना चाहिए क्या वे पेपर लीक गैंग से संपर्क में है। रीट लेवल 2 निरस्त करने के बाद भी बीजेपी का हमला जारी है, कहा सीबीआई जांच से कम कुछ मंजूर है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री माही गिल ने जी मीडिया से कहा बीजेपी का दूसरा नाम है डेवलपमेंट, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन किए। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की नसीहत, कहा आज के हालात में ऐसा करना ही समझदारी।